हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं। सैटर्न की सीरीज़ मैंने शुरू कर दी है, तो अगर आपको अपने बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो आप लग्न के अकॉर्डिंग, हाउसेस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आज सैटर्न इन फर्स्ट हाउस मैंने लोड किया था, होप आपने देखा होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी किस एनर्जी में है, कलेक्टिव व्यूअर्स के पर्सन। सिक्स ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, मैंने ये नोटिस किया है जब भी मैं इस चैनल पे नाइट में रीडिंग करती हूँ, क्योंकि टैरो पे तो मैं मॉर्निंग में करंट फीलिंग्स करती ही हूँ, लेकिन जब इस चैनल पे मैं नाइट में रीडिंग करती हूँ तो वाइब्स इमोशनल ज़्यादा होती है। इससे मैंने ये ओवरऑल एनर्जी से ये मैंने देखा है कि नाइट के टाइम पे, क्योंकि मून सुबह क्या होता है, सूर्य रहते हैं, तो सुबह उग्र एनर्जी रहती है, गुस्सा, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, फलाना ढिकाना। लेकिन जब नाइट में चंद्रमा निकल जाते हैं तो मून की वाइब्रेशन इतनी सौम्य होती है, इतनी कूल होती है, ठंडक प्रोवाइड करने वाली, कि आपके पर्सन सिर्फ रोमांटिक एनर्जी में रहते हैं। मींस बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में रहना, मिस करना, स्पाई करना। यहाँ पर मैं तो यही देख पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स हैं आपको लेकर। बहुत सारी चीज़ें जो आप दोनों के बीच में है उसके बारे में भी बहुत सोच रहे हैं। देखिए, जब इंसान प्यार में होता है तो वो अच्छी चीज़ों को पहले इमेजिन करता है, और बीच में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी टपक जाती हैं। यार काश के हम साथ होते, क्यों नहीं हैं हम साथ, कब साथ होंगे, कब ये थर्ड पार्टी एंड होगी, तो ये चीज़ें मुफ्त में मिल जाती हैं। करंट फीलिंग्स, वी हैव नाइट ऑफ कॉइंस विद द डेथ कार्ड। इन्हें ऐसा फील हो रहा है ना, देखिए करंट एनर्जी में, कि बहुत समय लग रहा है और ये चाहते हैं चेंज, ये प्रेजेंट सिचुएशन से हैप्पी नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉन्टैक्ट में हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नो कॉन्टैक्ट में हैं। तो जो कांटेक्ट में है उनकी एनर्जी तो बैलेंस हो जाती है तुरंत, अपने पर्सन से मिलते ही, बात करते ही एनर्जी सटल हो जाती है। बट जो नो कांटेक्ट में है ना, उनको हमेशा ऐसी एनर्जी होती है कि कभी बहुत मिस कर रहे हैं, इमोशनल हो गए, कभी बहुत गुस्सा आ रहा है कि सामने आ जाए तो उसका गला दबा दें, कभी ऐसी वाइब्स होती है कि यार छोड़ो, जाने दो, लेट गो कर देते हैं, तेल लेने जाए, मेरे से मतलब ही नहीं, अब आएगा भी तो भगा दूंगी, ये वाली वाइब्स होती है। तो आपका जो एनर्जी है वो चेंज होता रहता है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ें हैं कि ये सिचुएशन कब चेंज होगी, कब इस थर्ड पार्टी से छुटकारा मिलेगा और आपके साथ एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी अभी भी है जो आप दोनों के बीच में मौजूद है। क्या मिस कर रहे हैं आपको लेकर आपके पर्सन? सबसे पहले तो यहाँ पर जो वाइब्स है वो आपको एक मैसेज के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म रिश्ता आपके साथ चाहते हैं। मींस ये टाइम पास वाली एनर्जी में नहीं है, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है। तो ये आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट की वाइब्स में रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करें। इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए, आपको कोई लाइन न मारे, आपको कोई पटाकर न ले जाए। इनको आपकी चिंता भी रहती है, तो अगर आप किसी दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, चाहे वो आपका ऑपोजिट सेक्स हो, जैसे आप मेल हैं वो फीमेल हो, या आप फीमेल हैं वो मेल हो, तो इन्हें उन लोगों से बहुत जेलसी फील होती है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं कैसे प्रोटेक्ट कर लूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं आपके पर्सन के दिमाग में। शादी करके ही प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देकर ये चाहते हैं कि आपको अपना बना लें और उसके बाद डोमिनेट कर सके कि हाँ भाई मेरी है या मेरा है, कॉपीराइट है मेरा, ठीक है।
क्या थर्ड पार्टी को लेकर कुछ सोच रहे हैं, क्या थर्ड पार्टी एंड करना चाहते हैं? ऑलरेडी एंडिंग के बाद, डेथ के बाद थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, बट स्टिल मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। हैंग्डमैन की एनर्जी है विद फोर ऑफ कॉइन्स विद हैरोफेंट एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के पार्टनर तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी के चंगुल में पड़ चुके हैं पूरी तरह से, मतलब शादी हो गई है या शादी की बात चल रही है या एंगेजमेंट हो गई है, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं निकलूँ कैसे। बहस बहुत ज़्यादा होती है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, अटक चुके हैं पूरी तरह से सिचुएशन में। और कुछ लोगों के पर्सन अभी शादी तो नहीं हुई है, बट ये नज़र आ रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी है वो इनकी केयर बहुत करती है। अब जैसे मदर ही हैं तो मदर केयर बहुत करती है, सिस्टर है सिस्टर केयर बहुत करते हैं, फैमिली है फैमिली की केयर ये भी करते हैं वो भी करते हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे हर्ट करूँ, और इस वजह से ये अटके हुए हैं। तो थर्ड पार्टी को लेकर भी ये सोच रहे हैं, ये एनर्जी है यहाँ। क्या आपको एक कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त? ये क्विकली आपकी तरफ आना चाहते हैं, पोजेसिव बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड वी हैव थ्री ऑफ कॉइन्स विद एट ऑफ वॉन्ड्स। मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ये बहुत समय से वेट कर रहे हैं, इनके अंदर पोजेसिवनेस है, ये जल्द से जल्द आप तक पहुंचना चाहते हैं। आपको मैसेजेस बहुत सारे लोगों को रिसीव होते जा रहे हैं, बट और जो नो कॉन्टैक्ट में है उनको भी उनके पर्सन की तरफ से कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आ रही है। तो एनर्जी इस वक्त काफ़ी अच्छी है, नेगेटिव तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, बट हाँ कुछ चेंजेस डेफिनेटली होंगे, देखते हैं। इमीडिएट एक्शन पहले ही आ गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तीन नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस, मून का आज हमने डिस्कशन किया, तो यहाँ मून की एनर्जी आ गई है विद प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेशेंस। तीन नंबर है, 30 घंटे के अंदर की एनर्जी है, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 30 आवर्स के अंदर ये एनर्जी रहेगी। आपके पर्सन इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा लैक फील करेंगे, इन्हें ऐसा लगेगा आप नहीं हैं, इनका कोई हिस्सा है जो नहीं है, और ये इनकम्प्लीट फील करेंगे अपने आप को। इनकम्प्लीट फील करने के कारण इन्हें आपकी क्रेविंग होगी। सब्र रखिए, आने वाले समय में आपको यूनियन भी और एक हारमोनियस यूनियन नज़र आ रहा है, कमिटमेंट नज़र आ रही है, और आपको रिकॉग्नाइज करेंगे लोग। मींस ये अपने घर वालों से या तो फैमिली फ्रेंड सबके सामने ये चीज़ें डिस्क्लोज या तो कर चुके हैं या आने वाले समय में डिस्क्लोज हो जाएगा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर सिचुएशन को बैलेंस करना है तो डिस्क्लोज करना ही ठीक है, ताकि लोगों को क्लैरिटी मिल जाए और लोग मेरे लिए परेशान ना हों। आपके पर्सन बहुत सोच समझ कर ये निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के पर्सन की शादी फिक्स की जा रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर अभी भी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया तो फैमिली कहेगी कि पहले क्यों नहीं बताया, अब हमने जब सबको बोल दिया बात फिक्स हो गई तो अब तो तुझे करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो भी सीक्रेट्स हैं वो रिवील कर सकते हैं। क्या यूनियन होने वाला है मेरे व्यूवर्स के साथ? यस, सेलिब्रेशन का कार्ड है। कुछ लोगों के पर्सन तो बहुत समय पहले ही मूव ऑन कर चुके हैं, और एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे 369 की वाइब्स हैं। 369 एंजल नंबर, 369, तो यहाँ पे आपके विशेस पूरी होंगी। कुछ लोगों के पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं ऑलरेडी ब्लॉकेजेस के कारण, और इनको रियलाइज़ होगा तो ये रिटर्न आएंगे, मतलब काफ़ी लोगों के पार्टनर बैकआउट करेंगे थर्ड पार्टी से, और आपकी तरफ यहाँ पे जेस्चर हो सकता है। ये भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। कुछ लोगों के पर्सन ट्रैवल करके आ सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस अगर हैं तो यहाँ ट्रैवल करके आ सकते हैं, मुलाकात हो सकती है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज। चिंता मत कीजिए, बिल्कुल आने वाले समय में सक्सेस मिलेगी आपको, टेंशन लेने से आपका आउटकम नहीं बदल जाएगा। एंजल्स कह रहे हैं टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, डिसिप्लिन में रहो, कोई भी काम अपने समय से पूरा होगा, विश्वास रखो। एक बड़ा चेंज, एक बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, उसको एक्सेप्ट करो, डाउट मत करो।
नेगेटिविटी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है, तो कभी भी आपको एनर्जीज पर डाउट नहीं करना चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना कर चलो। अगर कोई ऐसे रिलेशन में हो जहाँ पर सिर्फ वन साइडेड एफर्ट है, सामने वाला पर्सन कोई एफर्ट नहीं डाल रहा, आप सब्र रख रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, बट सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपके होने या ना होने से, तो वहाँ पर अपनी सेल्फ इस्टीम, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना कर चलो। बहुत नीचे मत चले जाओ कि उठना मुश्किल हो जाए। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।